नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी खबर। मैं रूप किशोर राजपूत वीरेंद्र अरोड़ा के साथ। आइए ले चलते उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ थाना गोंडा क्षेत्र के गांव सरकोरिया में, जहां 70 रुपए के विवाद के चलते एक दलित की हत्या कर दी गई है। यही नहीं, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मौके पर मौजूद है। दबिश के लिए पुलिस फोर्स तैनात है। देखिए खबर विस्तार से। मैं रूप किशोर राजपूत वीरेंद्र अरोड़ा के साथ क्रांतिकारी खबर। ये थाना गोंडा का सरकोरिया गांव है, जहां जो है एक दुकान पर जो है 70 रुपए को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक दलित की मौके पर हत्या कर दी गई है। दूसरा दलित जो अरुण नाम का व्यक्ति है, वो गंभीर रूप से घायल है, जिसको आज जो है देखने पहुंचे गांव में जो भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष नितिन चौटेल, आजा समाज पार्टी के प्रमोद कुमार अपने साथियों के साथ सूरज अंबेडकर और जो है तमाम पदाधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं और जो यहां मोर्चा संभाले हुए हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी होगी। प्रशासन यहां अलर्ट नजर आ रहा है। दलितों में काफ़ी रोष व्याप्त है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो दलितों का कहना है कि हम जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए गिरफ्तारी तत्काल की जाए। पीड़ित पक्ष के में देखिए, ये घायल व्यक्ति है अरुण। क्या नाम है आपका? अरुण, क्या मामला था? कुछ नहीं, मैं घर हेलमेट लेने आया था और ये दो के बैठे थे, एक संग मारना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। मारना शुरू? कौन कौन लोग थे? 5-6 जने थे। मुझे रात में तो दिखाया नहीं क्योंकि अंधेरा था यहाँ पे। मेडिकल हुआ आपका? हाँ। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने चाचा ने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। कहाँ कहाँ चोटें हैं आपके? सिर में, कंधे में, हाथ में और कमर में। क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? बीए सेकंड ईयर। बीए सेकंड ईयर। गांव में कब से रह रहे हैं? मेरे को गाँव में रहता हूँ मैं, कभी नहीं जाता हूँ। आपके पापा क्या नाम है? मुरलीधर। वो है यहाँ? आ रहे हैं पापा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार, क्या मामला था कल गांव में? जो मैं रिश्तेदार हूँ उनका देख तो सुना तो वो बताएंगे। क्या मामला है आपका गांव में? कहा बता भाई, कौन हम तो होता नहीं, हम तो छुरी ने विदा कर रहे। पिंटू बताओ, बताया बताओ भाई। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार। पिंटू जी, किस गांव में रहते हैं? सरगोजा का रहने वाला हूँ। तो किस तरीके का मामला है? कल शाम को दुकान से कुछ सामान लेने पे इसने मतलब कुछ पैसे एक्स्ट्रा मांगे थे और बोला था मेरे इतने पैसे हुए, गाली दे के बात करी थी मेरे से, जितनी भी बात कर रहा था टोटल गाली दे रहा था उसमें ये बंदा। फिर उसके बाद मैंने कहा आप बड़े बुजुर्ग को ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो इसी बात पर गाली दे के अभी साले यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ लौट के। और आगे बाद हमारे जो चाचा थे वो हमें समझा के घर पर ले गए। चाचा वीरेंद्र? नहीं, होशियार सिंह। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने इस भाई से कहा उनसे, चल तू हेलमेट लिया, चल हम चल।